सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है ESIC द्वारा, यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर मैंने ग्रेड सेकंड की वैकेंसी थी सुपरिटेंडेंट की, उनका अनाउंसमेंट कर दिया है। पहले वैकेंसी सन 2014 में आई थी और उस पर अभी तक रोक लगी हुई थी, तो अब उस एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल करते हुए उस एडवर्टाइजमेंट में जिन कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था 2014 में उनको अलाउ कर दिया गया है और साथ ही नए एप्लीकेंट से भी फॉर्म मांगे गए हैं। तो हम इसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस न हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो पोस्ट है वो है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी SSO, या फिर जिसको मैनेजर ग्रेड सेकंड बोलते हैं ESI ब्रांच ऑफिस में जो होते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जो होते हैं या ऑफिस में होते हैं रीजनल ऑफिसर, वो होते हैं सुपरिटेंडेंट। रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी है और ESIC में है। ESIC के बारे में हम आपको बता दें कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक ऑटोनोमस बॉडी है और ये एक अच्छी जॉब है क्योंकि इसमें पे स्केल काफी अच्छा है और एक रेपुटेड जॉब है ये। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट इसमें दिया गया है कि जिन कैंडिडेट्स ने 16/1/2014 को जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके लिए अप्लाई किया था तो ये एडवर्टाइजमेंट नष्ट कर दिया गया है, लेकिन कैंडिडेट्स को शामिल किया जाएगा इस भर्ती में। उन कैंडिडेट्स को दोबारा अप्लाई करना होगा लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और साथ ही उनको कोई भी फीस का पेमेंट नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसी आई है सामान्य की 294 है, SC की 82, ST की 22, OBC की 147, टोटल वैकेंसी है 539 और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है क्योंकि सामान्यतया ESIC में इतनी वैकेंसीज जनरली नहीं आती हैं। इसमें PH कैटेगरी के लिए 6 कैटेगरी A में, कैटेगरी B में 5, कैटेगरी C में 7 और कैटेगरी D एंड E में 1 वैकेंसी है। वही एक्सेसमैन की वैकेंसी है 49। कैटेगरी A का मतलब है लो विजन कैंडिडेट्स, कैटेगरी B डीफ एंड हियरिंग एम्पायर्ड और कैटेगरी C है लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स। कैटेगरी D में ऑटिज्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब आएंगे। अब बात कर लेते हैं स्केल ऑफ पे की। तो पे लेवल 7 में है यानी 44,900 वाले ग्रेड में है। अगर 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 4600 ग्रेड पे में ये वैकेंसी है। इसके अलावा DA, TA, HRA और जो भी अदर अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए ऑफिस सूट और डाटाबेस की, क्योंकि इसका एक टेस्ट होगा और वो आपको क्वालिफाई करना होगा। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज है 21 से लेकर 27 साल, जो कि 5 अक्टूबर 2018 को काउंट होगी। SST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। PH कैंडिडेट्स को उनकी कैटेगरी से अलग 10 साल की छूट दी जाएगी। एक्सर्विसमैन को उनकी सर्विस लेंथ काटने के बाद 3 साल की छूट दी जाएगी। और ESI एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 40 साल तक सामान्य के लिए, 43 साल तक OBC और SST को 65 साल तक आवेदन करने की छूट प्राप्त है। साथ ही वो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिन्होंने 16/1/2014 के विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन किया था, चाहे उनकी एज लिमिट खत्म हो गई हो यानी वो ओवर एज हो गए हों, लेकिन फिर भी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा और वो आवेदन कर सकते हैं। और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की यानी 5 अक्टूबर 2018, वही आपकी एज और क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग फाइनल डेट मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है और लिंक 1-2 दिन में आ जाएगा वेबसाइट पर और 5 अक्टूबर 2018 तक आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके फोटो, आपका सिग्नेचर अपलोड होना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखना है, जी हाँ काले पेन से लिखना है। और जो लिखना है वो इस प्रकार है कि आई उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड विहीन रिक्वायर्ड। ये आप हाथ से लिखेंगे, सफ़ेद कागज पर काले पेन से लिखेंगे और इसको स्कैन करके अपलोड करेंगे। और जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो आप ESI की वेबसाइट पे जाएंगे www.esic.nic.in और वहाँ अप्लाई ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ SSO 2018 ESI लिंक पर क्लिक करेंगे। अब बात कर लेते हैं फीस पेमेंट की। तो SST PW और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट साथ ही फीमेल एक्सर्विसमैन के लिए फीस है ₹250 और ये जो फीस है ये जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको रिटर्न कर दी जाएगी। वही बाकी कैटेगरी के लिए फीस है ₹500। तो इस तरह कुल मिला के बात करें तो SST PW कैंडिडेट फीमेल और एक्सर्विसमैन साथ ही ESI एम्प्लॉयज के लिए फीस निल है। हालांकि ₹250 आपसे लिए जाएंगे लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे रिटर्न एग्जाम में पार्ट वन में तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। फीस का पेमेंट है वो ऑनलाइन होना है और आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस की। तो पूरे देश में ESI अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के हिसाब से सेंटर्स बनाएगी और कैंडिडेट्स को उन्हीं सेंटर्स पर एग्जाम देना होगा। साथ ही ESI को ये राइट है कि वो किसी भी एग्जाम सेंटर को कैंसिल कर सकती है। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो 3 स्टेज में ये एग्जाम होगा। पहले आपका प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा और फिर कंप्यूटर एग्जाम होगा।
तो प्री एग्जाम में आपके इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और 35 ही आएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। इस प्रकार टोटल क्वेश्चन होंगे 100, मार्क्स होंगे 100 और समय होगा प्रत्येक के लिए 20-20 मिनट। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो इंग्लिश भाषा को छोड़कर बाकी सबका बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और ये जो फेज वन है यानी प्री एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और कैंडिडेट्स को वैकेंसी के 10 गुना की संख्या में मेरिट बनाते हुए फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही अगर एग्जाम एक से ज्यादा सेशन में होता है जो मार्किंग है उसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू इक्वल किया जाएगा। बात कर लेते हैं फेज सेकंड की मेन एग्जाम की, तो प्री एग्जाम में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे वैकेंसी के 10 गुना उनको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ये भी ऑनलाइन होगा, इसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, जनरल इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के और गणित के 40 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। इसकी ड्यूरेशन होगी रीजनिंग की 35 मिनट, जीके की 20 मिनट, इंग्लिश लैंग्वेज की 30 मिनट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 मिनट। क्वेश्चन होंगे 150 और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 200, समय होगा 2 घंटे का और ये क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश भाषा को छोड़कर। इसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को कंप्यूटर टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मेन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही बनेगी। प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और कैंडिडेट्स को वैकेंसी के 5 गुना यानी एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स को कंप्यूटर टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फेज थर्ड होगा आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा वो 50 अंकों का होगा, 30 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें पावर पॉइंट की 2 स्लाइड आपको बनानी होंगी, 10 मिनट का समय मिलेगा। एमएस वर्ड में आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी टाइपिंग मैटर की, उसका फॉन्ट बदलना होगा, स्पेस देना होगा हेडिंग, इसके अलावा उसको जस्टिफाई या फिर उसका जो इंडेंट है वो चेंज करना होगा, इसके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। वही एमएस एक्सेल के लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर का, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी लेटर राइटिंग और ऐसे। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक लेटर आएगा, एक ऐसे आएगा, निबंध आएगा इंग्लिश में, 50 अंक इसके होंगे, 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। और ये कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें प्राप्त किए अंकों की गणना फाइनल मेरिट में नहीं की जाएगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो मेन एग्जाम के बेस पर ही बनेगी, जो 200 अंकों का आपका पेपर होगा मेन एग्जाम का उसके बेस पर ही बनेगी। तो प्री एग्जाम और कंप्यूटर टेस्ट और जो निबंध राइटिंग लेटर राइटिंग है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। साथ ही पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स हैं जो कि टाइप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर टेस्ट आयोजित कराएगा 50 अंकों का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, वो कंप्यूटर टेस्ट के लिए उनका होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड के लिए ईएसआईसी द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो आपको www.esi.nic.in को रेगुलरली फॉलो करते रहिए, साथ ही हम आपके लिए लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो लाते रहेंगे। और एक बार हम आपको फिर बता देते हैं कि 16/1/2014 को जो विज्ञापन आया था 2014 में, उसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा, फ्रेश एप्लीकेशन, लेकिन उसमें वो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर की डिटेल डालेंगे और उसके बाद अपना ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, उनको कोई फी पे नहीं करनी है। साथ ही उनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था यानी जो 2014 फॉर्म भरा था उसका प्रिंटआउट जिसपे ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो वो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।